व्यूवर्स, अभी हम एम्स के बाहर हैं, ओपीडी के सामने। अभी हम एम्स के अंदर थे, एम्स की कुछ स्टाफ से हमने बात करी। तो ओपीडी, इन्होंने जब से प्रधानमंत्री के 21 दिन की लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद ओपीडी को बंद कर दिया गया 15 तारीख तक। जब तक ये लागू रहेगी, 21 दिन की लॉकडाउन जब तक चालू रहेगी तब तक ओपीडी बंद रहेगा। अभी इन्होंने क्या किया, एम्स के ट्रॉमा सेंटर को ओपीडी में शिफ्ट कर दिया गया। और पूरी ट्रॉमा सेंटर जो अभी हम होके आए, ट्रॉमा सेंटर को कोरोना सेंटर बनाया गया है। उसकी तैयारी अभी तक ठीक से हुई नहीं है। जो कोरोना इधर ईएचएस ओपीडी को, जिसको स्टाफ के लिए कोरोना सेंटर बनाया गया है, वो 7 दिन से चालू है, लेकिन अभी तक कोई स्टाफ वहाँ एडमिट नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओपीडी में जितने भी लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से आते हैं और ट्रीटमेंट के लिए, एक पेशेंट अभी भी आ ही रहे हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट के लिए ये लोग जो आ रहे हैं, इनका ये 21 दिन की ओपीडी जो ब्लॉक रहेगा, बंद रहेगा, उस बंद होने से इनका क्या क्या रिएक्शन है और क्या कहना है? अच्छा, आप हमें बताएं आपके क्या हुआ है? अभी तो ऑपरेशन हुआ है 6 तारीख को। अच्छा, 6 तारीख को हुआ तो 21 तारीख को छुट्टी किया, तो बोला कि जाइए अब 3 महीना में फिर आइएगा यहाँ पर। तो 22 तारीख को दवाई ववाई लिए प्राइवेट में, तो वहाँ से तो दवाई नहीं मिला है सरकारी से, प्राइवेट में दवाई लिया है। दवा लेकर के 22 तारीख को गाड़ी बंद हो गया, तो कैसे हम घर जाएंगे? बिहार है, बिहार में। आप बिहार से हैं, तो यानी 21 तारीख को उनको डिस्चार्ज किया गया और 22 तारीख से ट्रेन बंद है, ट्रेन बस सब कुछ बंद है, तो ये आप यहाँ फंस गए हैं। लेकिन खाने की, ये जो 21 दिन की खाने की इंतजाम और तैयारी की है आपके पास? अभी तो नहीं है खाने का इंतजाम। और इतना पैसा वैसा लेके आए थे, कैसे खाने का इंतजाम करेंगे अभी? अभी तो यही खाना तो देगा तो खाएंगे, नहीं तो वैसे रहेंगे। गरीब आदमी है, कहाँ से क्या करेगा? आज 2 दिन से लिए खाने खुने को छोड़ा है, पहले कुछ नहीं था, एक हफ्ते से कोई कुछ नहीं था। इतने प्रॉब्लम लोग जी रहे हैं, अब क्या यहाँ आए हैं, सोचते हैं कि चलो एम्स जो है सरकारी हॉस्पिटल है, कुछ नहीं लगेगा, जो ले आए पैसे सारे खत्म हो गया, उनको आने जाने कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। आपके साथ कोई पेशेंट है? आपके मम्मी है हमारी। क्या बीमारी है उनका? उनको जैसे हमारे बिहार में तो ब्लड कैंसर कर दिया था घोषित, यहाँ एडमिट किए थे मैंने, फिर उसके बाद में 22 तारीख उनको निकाल दिया, बोला कि आप जाओ, कि रिपोर्ट आएगा। फिर खून का टेस्ट हुआ था उनका, खून का टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट जो है आज मिला है। फिर डॉक्टर नहीं है, ओपीडी अब खुलेगा तो डॉक्टर आएंगे, कब तक हम लोग बैठे रहे? गरीब आदमी हम लोग हैं, ठीक है ना, हम लोग पास पैसे नहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए आया है, लेकिन अब डॉक्टर देखेंगे तब ना बताएंगे क्या है नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में बारिश होता है, इतने रहने की प्रॉब्लम है, दिख रहे अंदर में नहीं रहने देते हैं, बाहर चलो बाहर जाओ, फुटपाथ पर दिख रहे हैं, बंदे रह रहे हैं, कैसे रहेंगे? आपकी कौन है पेशेंट, कौन है और क्या बीमारी है? मेरी मदर है जी, उनको अटैक आया था, दिमाग में खून जम गया था। अच्छा। तो मैंने सफदरजन में आके हमने एडमिट करा, बट एक आध दिन तक तो उन्होंने दिखाया कि हाँ हम उनकी परवाह कर रहे हैं, बट जब मैं उनसे ये कहने गई कि मन की मेरी मम्मी की सांस ज़्यादा चल रही है, मन का सर प्लीज़ देख लो क्या है, बेबी के हैं बुलाने आ जाते हो, डिस्टर्ब करते हो, ये बोलने लगे वहाँ जाके। और फिर एक लड़की हमारी बगल में भी थी, उस लड़की को इतना प्रॉब्लम हो रहा था, उसके मम्मी पापा बोलने गए डॉक्टर को कि क्या कहते हैं सर प्लीज़ देख लो मेरी बेटी दर्द के मारे तड़प रही, जब कहते हैं हमने बताया नहीं था कि ऐसे करना है। तो एक होता अगर वो डॉक्टर होते तो फिर अस्पताल में लेके क्यों पड़े होते हैं? यानी आप कह रहे हैं कि सफदरजंग में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और फिर आप एम्स में शिफ्ट किए? ग्लूकोज लगाए जा रहे हैं, जब से आए हैं ग्लूकोज, दिमाग में खून जमाया, उसे देखो ना ग्लूकोज से क्या हो रहा है। उन्होंने तो एक दिन में ट्रीटमेंट कर दिया, वो तो अभी हमारी मम्मी चेकअप के लिए, वो अच्छा ध्यान रख रहे हैं एम्स का, हॉस्पिटल का। अच्छा, तो वहाँ एडमिटेड हैं या चेकअप चल रहा है अंदर? नहीं, एडमिट हैं, एडमिट के साथ अब उनका चेकअप चल रहा है। अच्छा, तो आप लोग क्या घर वापस नहीं जा पा रहे हैं, या आप लोग की मम्मी इधर हैं तो इसलिए आप लोग भी? नहीं, हम घर जा नहीं पा रहे क्योंकि बाहर का सीट बंद कर रखे है ना। ये देखिए कुछ ये प्राइवेट इंडिविजुअल लेवल पे कुछ लोग यहाँ, ये जो गरीब, अभी हमने एम्स के कुछ जो पेशेंट्स के साथ बात की, उन्हीं को खाना पहुँचा रहे हैं इस तरह से। अभी ये लोग पकौड़ा दे रहे हैं, इनमें से हम अभी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस एरिया में ये सर्व कर रहे हैं। तो भैया, ये आप थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ से आ रहे हैं और क्या कितने लोगों को सर्व कर रहे हैं फूड? भैया, हम करीबन 600 से 700 लोगों को फूड सर्व कर रहे हैं रोज, डेली। रोज नहीं, वीक में थ्री टाइम्स वीक में हम सर्व कर रहे हैं 500 से 700 लोग। तो आप लोग कहाँ से हैं? और हम साउथ दिल्ली से हैं, दक्षिणपुरी। हाँ, हम इंडिविजुअली सर्व कर रहे हैं, हम किसी संस्था से नहीं है, खुद ही बना रहे हैं।
और खुद ही सब कुछ हम राशन वगैरह खुद ला रहे हैं, खुद अपने आप बना रहे हैं सुबह उठ के 5 बजे और फिर उसके बाद जाके सर्व करते पूरे दिन में कहीं जहाँ पे भी आपको लग रहा है। तो किस किस ये तो एम्स के सामने हुआ और कहाँ? अभी हमने लास्ट टाइम सफदरजंग किया था, उसके बाद हमने मूलचंद किया था, निजामुद्दीन दरगाह किया है, 4-5 जगह अभी तक हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है। जतिन, ये जतिन जी हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे खुद अपना रेशन खरीद के अलग अलग चीज़ें बना के उनको खुद ये एम, अभी ये एम्स के यहाँ किए, इससे पहले वो सफदरजंग और अलग अलग जगह पे सर्व कर रहे हैं। इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं आप? डेफिनेटली, बिकॉज क्या करते हैं कि हम ये खुद ही लेकर आते हैं सारा का सारा सामान और हम अपने घर पे ही इसको बना रहे हैं। इसलिए क्या है कि हम अपना सैनिटाइजर्स, ग्लव्स एंड ऑल मास्क वगैरह, और हम लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं बिकॉज वी आर 3 persons। अच्छा, बस हम ये 3 बंदे ही हैं जो कि हम ये करते हैं। नहीं, कोई सुविधा नहीं सर, ऐसे हम लोग अपना इसी तरह से 3 टाइम में 1 टाइम का अपना पैसे लगा के, 2 टाइम भूखा रहता है, 1 टाइम का खाते हैं, क्योंकि अगर यदि जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे तो मैं बहुत काफ़ी दूर से आया हूँ, झारखंड से आया हूँ, ये भी पैसे अगर इन्वेस्टमेंट हो जाते तो फिर मुझे जाने में परेशानी हो जाएंगी। तब तक मुझे यहाँ सोचता हूँ कि झारखंड जाएंगे तो एम्बुलेंस से बात किया तो एम्बुलेंस से बताया कि तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये मतलब पड़ेंगे आपके जाने के किराए, आने जाने के। पेशेंट कौन है आप? मेरा मम्मी है, सामने बैठी हुई है। अच्छा, तो मैं झारखंड नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उतना पैसा रहता तो मैं दिल्ली इतना दूर के लिए इलाज के लिए नहीं आते सर। ये एक मेट्रो स्टेशन का एरिया है ओपीडी के जस्ट सामने एम्स के, और इस तरह से अलग अलग पेशेंट्स की अलग अलग कहानी है। तो कोरोना ट्रीटमेंट, ये ओपीडी बंद होने की वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक परेशानी हो रही है जो लोग, राइट। तो इधर मेट्रो भी बंद है, मेट्रो का गेट भी बंद दिख रहा है इधर। तो आप देख रहे थे द पॉलिसी टाइम्स, हम ऐसे रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे।